हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज। आप देख रहे हैं इन्फो कवर चैनल। आज हम जा रहे हैं एक ऐसे हिल स्टेशन के लिए जो हुगली से 15 से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। जी हाँ दोस्तों, जो आज मैं हिल स्टेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ वो है बुधनगुटा हिल स्टेशन। एक्चुअली मैंने इस वीडियो पर मेरे थंबनेल पर इस प्लेस को जो छोटा महाबलेश्वर करके क्यों जिक्र किया हूँ आप आगे जाते जाते खुद ही समझ जाएंगे। हुबली कारवा रोड पर चरमट्टी गांव के पास से आपको बाहे मुड़ना पड़ेगा जो लगभग 12 किलोमीटर दूरी पर हो जाता है। यहां पर आने के बाद आपको दो रास्ते मिलेंगे, एक है गड़गी हुलकुप्पा जाने के लिए और एक है बुधनगुटा जाने के लिए। तो चलो चलते हैं, यहाँ पर से असली नज़ारा शुरू हो जाता है। यहाँ पर आते ही मिलेगा आपको कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का गेट जो सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। आपको यहाँ पर आते ही यहाँ के नेचर का फीलिंग हो जाएगा जो पूरा पूरा ग्रीनिश है। यहाँ पर फर्स्ट एंट्रेंस में ही श्री बसवेश्वर जी का मंदिर है। पहले हम इस मंदिर में जाएंगे और भगवान जी का दर्शन करेंगे। एंट्रेंस में एक गरुड़ स्तंभ और उसके आगे ही एक नंदी का मूर्ति है। यहाँ का विशेषता यह है कि इस मंदिर के अंदर में भी आपको नंदी का मूर्ति मिलेगा। और यहाँ पर साल में एक बार उत्सव भी मनाया जाता है, उसके लिए यहाँ पर तेर रथ का भी उपयोग किया जाता है। अभी हम जाएंगे बुधनगुटा व्यू पॉइंट के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ का नजारा कितना सुंदर है, बारिश में और भी निखर के बाहर आ जाता है। अगर आप लोग यहाँ पर आकर थोड़ी देर के लिए खड़े रह जाएंगे तो थोड़ा बहुत रोमांटिक फील हो जाएगा। मैंने भी यहाँ पर आके थोड़ा बहुत एसआरकी का स्टाइल करने के लिए देखा, लेकिन बाद में जाना कि थोड़ा बहुत और एक्टिंग हो जाएगा। अभी हम चलते हैं और एक व्यू पॉइंट की तरफ। अगर आप लोकलिस्ट हो यहाँ पर साइकिलिंग ट्रैकिंग के लिए भी आ सकते हैं। आप लोग चाहिए तो इस पार्ट से सीधा नीचे भी जा सकते हैं, आपको यहाँ पर स्टेप्स मिल जाएंगे। तो ये है और एक व्यू पॉइंट जो मंदिर के दाईं तरफ आता है। यहाँ पर है एक छोटा सा व्यू पॉइंट, आप देख सकते हैं इस वीडियो पर। यहाँ से आप पूरा नजारा देख सकते हैं। अगर आप लोग फोटोग्राफी का हॉबी रखते हैं तो यहाँ पर आकर आपको अच्छे अच्छे फोटोग्राफी करने के लिए मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटा सा स्टील का व्यू पॉइंट बनाया है और यहाँ पर आपको सब नज़ारा मिल जाएगा। चलिए आप लोगों को मैं नज़ारा दिखा देता हूँ, देखिए। पर आपको आसपास के तालाब और गांव का नज़ारा मिल जाएगा। अगर आप लोग दूर तक नज़र फेरेंगे तो पहाड़ी पहाड़ नज़र आएंगे जो लगभग महाबलेश्वर में मिलेंगे वैसे ही पहाड़ मिलेंगे। उतना बड़ा तो नहीं, तो छोटा छोटा पहाड़ तो मिल जाएगा आपको। और यहाँ का इतिहास इनके मुंह से सुन लीजिए। सर ಇದು ಗುಡಿ ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿತ್ತು? ಇನ್ಕಾ ಕಹನಾ ಹೈ ಕಿ ಯೆ ಮಂದಿರ ತೀನ್ ಪೀಡಿಯೋ ಸೆ ಪಹಲೆ ಹಿ ಬನಿ। ओके, इनके अनुसार यहाँ पर बसवण जी का पदचिन्ह है और इनके अनुसार हसरली बुद्धेश्वर नामक एक स्वामी जी यहाँ पर आकर 721 दिन तक जीवित थे। ओके, यहाँ सीजन ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಚಲೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ। ಈ ಜಗಾ ಪರ ಬಾರಿಶ್ ಕೆ ಮೌಸಮ ಆ ಸಕ್ತೆ ಹೈ। ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? अन्नैया माधैया मठ जी ने कहा कि यहाँ पर साल में एक बार उत्सव और कहा कि ये मंदिर ट्रस्ट के अंदर
ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾತಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಗೀತ್ರೆ ಏನ ನಡೆಯುತ್ತಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. और यहाँ पर साल में एक बार जात्रा रहता है और आसपास के 40 गांव के लोग यहाँ पर आके जात्रा मनाते हैं। ओके ओके ओके। है कि अगर आप लोग यहाँ पर कुछ भी मन्नत मांगेंगे और इनके हिसाब से जो यहाँ के पहाड़ है वहाँ पर स्वयं नंदी जी का पदचिन्ह लिखे गए हैं, आप देख सकते हैं इस वीडियो पर। अगर आप लोग इस जगह पे आने चाहते हो तो आप लोग प्राइवेट व्हीकल या फिर बस से आ सकते हैं। अगर आप हुबली नेशनल हाईवे पर हो तो वहाँ से 12 किलोमीटर दूरी पर आपको हो जाएगा। तो फिर चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट और लाइक करके बता दीजिए ताकि ऐसे वीडियोस का अपडेट आपको जल्दी मिल जाएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।